नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव के मुख्य आतिथ्य में शासकीय विधि महाविद्यालय का लोकार्पण। खबर छिंदवाड़ा से, जहां प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आज छिंदवाड़ा विधि महाविद्यालय का लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रवान, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक साहू, पूर्व मंडी अध्यक्ष शेषराव यादव सहित महाविद्यालय के प्रोफेसर एवं बड़ी संख्या में छात्रगण मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन एवं वंदना से हुई। उपरांत महाविद्यालय के स्टाफ द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान ने अपने उद्बोधन में श्री यादव से महाविद्यालय में बाउंड्री वॉल एवं वृक्षारोपण हेतु मांग रखी, जिसे श्री यादव द्वारा त्वरित करने की बात कही। उसके उपरांत भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक साहू ने भी अपने उद्बोधन में छिंदवाड़ा विधि महाविद्यालय का नाम श्यामा मुखर्जी एवं पीजी कॉलेज का नाम स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मंत्री जी यादव द्वारा मोहर लगाई गई। विधि महाविद्यालय का आज लोकार्पण हुआ। मैंने इसका नाम डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी का, सबकी इच्छा थी तो उस आधार पर विभाग की तरफ से स्वीकृति दी है कि डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नाम से अब विधि महाविद्यालय जाना जाएगा। एक डिमांड और थी कि यहाँ का जो पीजी कॉलेज है उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर करने में किसको आपत्ति हो सकती है, हमने उस पर भी स्वीकृति दी है। इसी प्रकार से कुछ नए कोर्स खोलने की मांग थी, मैंने सभी कोर्स खोलने की इसी सत्र से शुरुआत करने के लिए घोषणा की है। BA LLB 5 साल का, BCOM 5 साल का, हमारा LLM की कोर्स PG क्लास की दृष्टि से, इसी प्रकार से विश्वविद्यालय जो हमारा वर्तमान चल रहा है वो विश्वविद्यालय इस कैंपस में से आप प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ और भी डिमांडें मैंने कहा, जितनी जो जो अच्छी हो सकती है, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे मंत्रियों को ये छूट दी है और हम गर्व से कह सकते हैं कि खास करके हमारा मन बड़ा है, हम किसी को कांग्रेस बीजेपी की निगाह से नहीं देखते। तो छिंदवाड़ा में जो विकास करेगी भाजपा ही करेगी, वो खाली बात ही बात करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा से आशीष मालवी की रिपोर्ट।